आज कर रहे हैं ना, ये सिखों की बदौलत आज तक तो बैठा ये। भारतीय जनता पार्टी ने 1984 अपनी भारतीय जनता पार्टी बनाई थी, ये जनसंघी है, निकरां वाले है, झूठ बोलते, अपना भेस बदल के इन्होंने सरकार बनाई है। अज लोग इन्हें चंगी तरह जानते हैं, लोग भुल चुके सी, ये जनसंघ वाले है जिन्हों का चोन जान दीवा सी, देश की आजादी के 1947 कोई योगदान नहीं है। ये माफिया मांगे सिख हिंदू मुसलमान आज सब इकट्ठे हैं तो इकट्ठे रहेंगे। ये सरकार ये बोल रही है जितना मर्जी तोड़ लें, जितनी मर्जी गंदी राजनीति कर लें, ये बोला जा रहा है देश हमारा है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, ये क्रोएशिया से आए हैं, ये 15% लोग पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रहे हैं, हम इस देश के वासी हैं। अभी तो इसने देखा क्या, अभी तो देखेगा क्या, आगे आगे देखेगा। ये बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे इकट्ठे हैं वो आड़ती हैं या बिचौलिए हैं कुछ ऐसा सब है, किसान भी है, मजदूर भी है, आड़ती हैं, सब वर्ग के लोग हैं, सब धर्म के लोग हैं यहाँ पे। छोटे किसान छोटे किसानों छोटे आड़तियों बिचौलिए कहते हैं, आप नवे बड़े बिचौलिए पैदा करने तुले हैं, लोग सब कुछ जानते हैं। आने वाले समय बड़ा जवाब दिता जाऊंगा। कारपेट घराने मोदी अडानी सब जो बड़े कारपेट घराने बड़े बिचौलिया लिया सारी सोच बना रहे हैं। खालिस्तान की गल कर दे शुरू तो लैके एंड तक चल जाओ, थानू इतने एक भी हले खालिस्तान का नारा लाने कोई नहीं मिलना, ठीक है। इतने सिर्फ किसान कट्ठे हुए ने जेडे अपन मंगा लैके आयो ने, देखोगे ना कि होर कोई भी रीजन करके कोई लाता वा धरना अगले का शाम तक हल कट के अगले क्लीयर कर देंगे। असं पिछले महीने तो हूँ तक बैठे हाँ, 23 तरीक तो शुरू होया, अच्छ 23 तरीक हो गई जी, एक महीना हो गया, एक महीने से इन्होंने क्यों नहीं रीजन किया, क्यों ये सोचते भी 2% आए इन्होंने की कर लाना। मोदी साहब तुम गलत कौम ना पंगा लै लिया, तुम्हें पता नहीं इन बारे, ठीक है। ले जो थोड़े नाल देना उन्होंने पूछो, ठीक है। अभी जब तक नहीं हिलना, जब तक साढ़ा क्लीयर नहीं हूँ, जो कानून वापस हो गए उदो ही हिलोंगे, उस पहला पानी लेना। असं फरीदकोट से आई है, मेरा नाम सरबजीत है, तो मोदी साहब भी दूजे को स्नेह भेजता है भी तुम मेरे स्नेह जाके, तो मोदी साहब आप क्यों नहीं आके संघ दे विच गल करदा है। ये क्या लिखा हुआ है ये आप बताएंगे थोड़ा सा? हाँ जी, ये लिखा है भी मोदी साहब ने तो कानून बनाए है, असं इतिहास बनावेंगे इस चीज़ का भी। मोदी साहब दूजे को स्नेह भेजते भी मेरा स्नेह तुम सिखा तक दे दो, मेरा स्नेह तुम किसान तक दे दो, मोदी साहब आप आके क्यों नहीं गल करते साढ़े सामने आके, जो हिम्मत है ना सामने आके गल करे मेरे। मोदी सरकार ये बोल रही है कि ये जो किसान आंदोलन आ रहा है कि एक अपोजिशन का बन चुका है ये पूरा, मतलब इसमें कांग्रेस पार्टी या और पार्टियां हैं जो उनको बदनाम करने पे लगी, तो उसके बारे में कुछ? कोई बदनाम नहीं करते, सब वो भरम भुलेखे पा रहे हैं, लोगों के तेड़ा पा रहे हैं, सारे भाई भाई है, ठीक है ना, सारे भाई भाई, कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई सिख कोई ईसाई, सब भरा भरा है, सानू सरकार ही डाढ़ा मरवाती है, ठीक है ना। वे किन्ने टाइम के किसान इतने बैठे है, दूरों दूरों आके घर घर बार छड़ के आपके ठंड के बच्चे बच्चे छड़ के इन्ने टाइम के बैठे, तो मतलब नहीं बनता कि जाके मैं गल सुना उन्होंने की पकाए रखे वो। सरकार ये बोल रही कहीं ना कहीं जो किसान है आम जनता है वो किसी के मैनुपलेटेड है, किसी ने आड़तियों ने या बिचौलियों ने मैनुपलेट करके उसको यहाँ बुलाया हुआ है तो इसलिए इकट्ठे हुए, उनके बारे में कुछ आप? उनके बारे में क्योंकि सारे मतलब उनको ये बोल रहे हैं उन्होंने बिल नहीं पढ़े अच्छे से, ना उनको बिलों के बारे में कुछ पता है, सभी किसान भोले वाले हैं, मैनुपलेटेड हैं यहाँ पे आके। क्यों भोले भाले हैं? नहीं, क्यों भोले भाले किसान जिहड़े भोले भाले है जिहड़े रात नूं सप्पन के सिरियां मिंद के पानी लाउण जांदे है ते आपदी भोरा भोरा फसल बचा के वह वेच के आपदे बच्चे ने ढिड पालदे है। अच्छा जिहड़े चाह बनाउण वाला वह ज़्यादा उहदे नाल एक्टिव हो गए किसानां नाल, जिहड़े मेहनत करके आपदा पेट पालदे ते बच्चे दा बच्चे नूं पढ़ाउंदे लिखाउंदे है उहदे उहदे आपदी जनानी तो रखी नहीं गई, ठीक है ना। आपदा घर बार उहदा कित्थे मोदी दा, वह इन्नियां गल्लां करन वाला सामने आवे साढ़े सामने आके गल करे जे चैमत दा। हुण जिहड़ा वकील है उह ते ना भोले, जज जिहड़े उह ते नहीं भोले, डाक्टर जिहड़े उह ते नहीं भोले, इंजीनियर जो ना भोले, ए सब तो जो पढ़िया लिखा वर्ग उन्होंने भी पता भी ये कानून माड़े आ, जो चलो किसान तो भोला हो सकता, जो अदालतों के जज ने वकील ने वह भोले आ, सिर्फ एक यही रह गया साना, बाकी सब बेवकूफ है। मेरी गल
ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। मोदी तो ये बोल रहे हैं कि किसान की जमीन है, सुरक्षित है, वो कहीं नहीं जा रही है। नहीं, सानू सुरक्षित नहीं लगती, सानू असी आपदे को आपदी चीज आपदे को रखनी है। बिलों में लिखा हुआ है कि उसकी जो जमीन है कंपनी कहीं भी वो नहीं लेके जा रही उसको। तो हौली हौली नहीं सानू ले जाएगी ना, जिवें जियो फेल किया इन्होंने BSNL किथे हुण, इसे तरह वो जिहड़े इन्हू भी फेल कर दूगी हौली हौली, जिहड़ा प्राइवेट स्टेशन लिया के। एक ये जो एक किसान कानून का जो है कहीं ना कहीं जियो पे कन्वर्ट हो रहा है, तो वो उसका क्या क्यों हो रहा है? जियो पहले ने देखो जिवें हुण किसानी दे विच प्राइवेट स्टेशन लिया रहे हैं, इसे तरह जियो लिया ने फ्री चला। किसानों को क्यों लगता है कि अंबानी मिला हुआ है? अंबानी सारी सरकारी अंबानी बनाउंदा इन्हां दी, ओहदे सिर ते उड़दे है उहने तलाली। वो तो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन हर पार्टी के साथ थोड़ा सा होता है। तो आपको ये लगता है कि जियो की सिम पोर्ट कराने से या तोड़ने से कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा जी। 1.5 करोड़ सिम है जिहड़े पोर्ट हो गए एयरटेल आइडिया होर कंपनियां दे विच, जे 400 रुपये का रीचार्ज सी उहनूं गुणा करके देख लो उहदे नाल किन्ना घाटा इहनूं हुणी पै चुका है। थोड़े दिनां दे विच चौथे स्थान तो 9वें स्थान ते चले गया। इसे तरह जे सारे भाईचारा रल के बाईकट करूगा तो होर पिछे जाऊगा जी। करोना महामारी के सिर्फ यही बंदा जो उपर आया, दूजे सारी जी अपनी कौमनी से थले डिगी है। नहीं, वो तो इसकी काबिलियत है ना, बिजनेसमैन की काबिलियत है ना, वो तो बिजनेसमैन की काबिलियत नहीं, मोदी की काबिलियत है, क्योंकि सारिया सहूलत उसने दे छड़िया। काबिलियत इसकी ये है सर, मैं आपको बताऊं, मोदी की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से इतना आर्थिक मंदा आ गया है। जो सेक्टर है वो सारों के GDP गिर गई है। एक कृषि सेक्टर ऐसा था जिसकी GDP अप कर रही है। ये जो सारे बड़े बड़े घराने हैं इनके अंदर कृषि सेक्टर पर हो गई, इन्होंने मिलकर ये बिल इसलिए बढ़ा लिया ताकि इसका लाभ उठाया जाए, क्योंकि बाकी जो सेक्टर है उनमें तो मंदा है। ये तो दूसरी सरकार में भी अमीर थे और वैसे ही चल रहा था बिजनेस। दूसरी सरकार में इतना मंदा नहीं था, दूसरे सेक्टरों में इतना मंदा नहीं था। अब ये पोजिशन ये हो गई है, अभी बाकी के जो सेक्टर आर्थिक सेक्टर है उनमें भारी मंदी है। एक कृषि सेक्टर ऐसा है जिसमें अप कर रहा है, तो इनकी नजर कारपोरेट घरानों की नजर कृषि सेक्टर पर हो गई, इसमें लाभ कमाया जाए, क्योंकि और में पैसा लगाएंगे तो घाटा लगेगा। इसलिए इन्होंने मिलजुल कर ये रणनीति के तहत ये काम किया है। और लॉकडाउन में इनको करने की क्या जरूरत थी? अगर बिल बनाना था, लोकसभा में पास कराना था, तो उस पर चर्चा करा लेते, चर्चा कराते लोकसभा के अंदर, चर्चा क्यों नहीं कराई? ध्वनिमत से कैसे पास करवा दिया? ये देश है, ये जनता है, देश का प्रधानमंत्री जब चुना जाता है पहले पार्टी का होता है, बाद में वो देश का प्रधानमंत्री हो जाता है। प्रजा उसकी बेटे की तरह होती है, प्रजा की बात सुननी चाहिए उसको। हमें यही दर्द है, ये सुन नहीं रहा है।